अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है और आज एक भाई की फरमाइश आई थी कि एक प्लॉट था हमारे पास फॉर सेल। तो उन्होंने कहा कि जी हमें आप इसकी वीडियो बना के दिखा दें कि ये है किस जगह पे, लोकेशन क्या है प्लॉट की और रास्ता कहाँ से करके है, सराउंडिंग्स क्या हैं। तो मैंने कहा चलो भाई को वीडियो बना के दिखा देते हैं और साथ में जो है वो चैनल पर भी डाल लेते हैं ताकि और लोग भी देख रहे हैं, वीडियो तो बना ही रहे। तो ये जी सिविक सेंटर एंड हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद भी बन रही है, बड़ा इसका मॉडर्न आर्किटेक्चर है, सॉरी मॉडर्न कह रहा हूँ, बड़ा एंटीक सा इसका जो है वो आर्किटेक्चर है। जब ये बनेगी तो फिर आपको इसकी जो है वो सही लुक आएगी। ये बिजनेस लॉन्च आ गया, बिजनेस लॉन्च। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से जी ब्लॉक की तरफ। ये मेन इसका जो है वो 3 लेन रोड है। अच्छा, अब शायद मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ लेकिन कोशिश करेंगे कि हम गलत ना हों। अच्छा जी, ये एक जो है ना यहाँ पे मेन बुलेवर्ड पे एंड पे एक डेरा सा बना हुआ है। यहाँ पे भैंसें वगैरह भी पाली हुई हैं इन्होंने। तो ये है जी एच ब्लॉक, देख सकते हैं आप जी ब्लॉक। यहाँ आसपास जो है वो घर बने हुए हैं ऑलमोस्ट हर तरफ, राइट लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ घर बने हुए हैं। यहाँ से हम ने जाना है, आई थिंक सो यहीं से जाना है, नहीं शायद जाना है। अच्छा ये देखें, मेन पे भी घर बने हुए हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे ये जी ब्लॉक चल रहा है सारा। तो यहाँ पे कनाल के हैं मेन पे जो घर बन रहे हैं। बाकी यहाँ से आगे आके हमारे पास देखें, यहाँ पे भी जो है वो डेवलपमेंट हुई हुई है, घर वगैरह बनने हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से हम अंदर जाते हैं स्ट्रीट 25A से। तो यहाँ पे भी देखें घर बने हुए भी हैं, लोग रह भी रहे हैं और मज़ीद घर भी यहाँ पे बन रहे हैं। ये बिल्कुल एंड एंड है सोसाइटी का ना। तो और हम यहाँ पे सारे प्लॉट सोल्ड आउट हैं और ये एंड यूज़र्स ने जिन्होंने यहाँ पे घर बना के रहना है उन्होंने ही लिए हुए, लेकिन इसमें इतफाक़ से कभी कभी कोई प्लॉट फॉर सेल आता है। इस टाइम ये आया हुआ है, ये देखें यहाँ पे भी घर बन रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हुए हुए हैं। और अभी हम यहाँ से एक और ऊपर जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, ये 30 फीट स्ट्रीट है इधर सामने जो है ना। यहाँ अंदर भी जो गलियाँ हैं वो 30 फुट की हैं और जो मेन जो हैं वो भी 30 फुट की, यहाँ पे जो है वो हमारे पास गलियाँ हैं। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट हम पहुंच गए। अच्छा जी, ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे ना, ये देख सकते हैं आपकी लैंड ये सॉलिड है, थोड़ी बिल्कुल ज़रा सी इसमें कोई 4-1 फिट की फिलिंग होगी, बाकी ये जो है सारा प्लॉट सॉलिड है। ये जो खंबे के बिल्कुल साथ है, ये वाला स्टेप पे जो बन रहा है ये वाला प्लॉट है। और देख सकते हैं आप इसके राइट साइड पे सामने घर बन रहे हैं, एक घर भी जो है उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, बाकी 3-4 घर 5-6 घर बन के इधर साथ साथ ही जो हैं वो कंप्लीशन स्टेजेस पे हैं। और इस घर का अभी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, चुनाई चुनाई हो रही है लगता है यहाँ पे। तो अच्छा, ये वो स्ट्रीट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये जो रोड है ये डायरेक्ट जाता है आपके मोटरवे पे, बरामा बातर मोटरवे इंटरचेंज जो है ये उसको जाता है। तो अभी जो है ये रोड आप देख सकते हैं कच्चा ही है, ये अभी तक यहाँ पे इन्होंने रोड सड़क नहीं डाला, पक्का लुक वाला कारपेटिंग नहीं की। तो वो अनकरीब जो है वो होने वाली है इंशाल्लाह, उसमें ज़्यादा कोई टाइम है नहीं। तो जब ये हो जाएगी तो जाहिर बात है इसके रेट्स में जो है वो फ़र्क आ जाएगा। तो अभी बस एक चीज़ रहेगी दिखाने वाली जो है, इस लोकेशन पे हमारे पास मौजूद नाला है। लोग कहते हैं कि बिल्कुल नाला दूर ही है, पास ही है, तो हम आपको ज़रा एग्जैक्ट दिखा देते हैं कि नाला है कितनी दूर।
और क्या पोजीशन है नाली की? ये देखें जी, कितना डीप नाला है इसके, और नीचे सारा सीमेंटेड हुआ हुआ है ये, और पानी इसमें इतना ही रहता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पानी जो है यहाँ पे आता नहीं है। काफ़ी हाइटेड है जगह, और नाला जो है इससे वो है काफ़ी दूर। बाकी ये एंड है यहाँ पे कोहिस्तान इनक्लेव की नर्सरीज बनी हुई हैं, तीन चार नर्सरी हैं इनकी, जहाँ से ये पौधे वगैरह लेके लगाते हैं। बाकी ये एंड ही है, इस साइड से फिर इस तरफ जा रही है कोहिस्तान सोसाइटी और सर से। यहाँ पे वो गाड़ी खड़ी हुई आपको नज़र आ रही होगी, कल्टस गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ से, जो तीन खंबे लगे हुए, तीसरे खंबा जो है वो लाइट वाला जो है उसके पास, वहाँ पे प्लॉट जो 1248 1248 प्लॉट नंबर जो है वो उसकी लोकेशन है, और नाला उससे इतनी दूर है, तो स्मेल जो है हमें यहाँ खड़े होकर भी जो है वो नहीं आ रही है। फिलहाल सर्दियाँ भी हैं, इस वजह से भी स्मेल ज़रा कम होती है। तो बाकी ये जो है इसकी लोकेशन है, और डिमांड जो है इस प्लॉट की 5 मरले का है ये, और 50-50 साइज़ है इसका, और इसकी जो डिमांड कर रहे हैं ऑनर वो कर रहे हैं 38 लैक्स। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।